चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना जो एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके थर्ड पेपर को सॉल्व करने का काम। कल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया था ये सेशन, हम लोग आज इसको शुरू करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग राधा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और अगर आवाज़ मिल रही हो तो यस लिख दीजिए, अगर मेरी आवाज़ मिल रही हो तो यस टाइप कीजिए। इसके बाद हम लोग शुरू करें। अगर मेरी आवाज़ और ऑडियो वीडियो सही मिल रहा हो तो यस लिखिए, अगर मेरी आवाज़ सही मिल रही हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। इसके बाद हम लोग शुरू करें। ओके, नाउ वी आर रेडी फॉर आवर क्लास। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना सॉल्व करने का जो हमारा कार्यक्रम है। कहाँ से लेंगे, देखिए इसमें इस सेट में जो पहला प्रश्न है फंक्शन किडनी ऑफिस, ये एक्चुअली फंक्शनल किडनी होना चाहिए लेकिन चलिए जो भी है, फंक्शन किडनी ऑफिस ये मीसोनेफ्रिक होता है। कई बार हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। फिशेज में और एम्फीबियंस में मीसोनेफ्रिक होता है। इसके ऊपर के जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनमें मेटानेफ्रिक होता है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, माइग्रेशन ऑफ फिशेज फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर फॉर स्पॉनिंग इज कॉल्ड, स्पॉनिंग यानी प्रजनन के लिए माइग्रेशन ऑफ फिश मीठे जल से समुद्री जल की ओर, यानी ताजे जल से समुद्री जल की ओर प्रजनन के लिए मछलियों का माइग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पर मीठे जल से समुद्र की ओर हो रहा है, इसलिए इसको कैटाड्रॉमस माइग्रेशन कहते हैं। डी हो जाएगा कैटाड्रॉमस, ये डी विकल्प है, कैटाड्रॉमस माइग्रेशन है। आगे चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्रेनियल नर्वेज, जो पांचवी क्रेनियल नर्व्स होती है। तो मछलियों में कुल 10 जोड़े क्रेनियल नर्व्स होते हैं जिसमें पहला ऑप्थैल्मिक ऑप्टिक ऑक्युलोमोटर ट्रॉक्लियर ट्राइजेमिनल। तो जो इसमें जो पांचवी नर्व है इसका क्रम देख लेना, फिलहाल पांचवी जो नर्व होती है वो ट्राइजेमिनल है। ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्युलोमोटर ट्रॉक्लियर और ट्राइजेमिनल, ये पांच होती हैं। पहला जो है ऑल्फैक्टरी है, ऑल्फैक्टरी, दूसरा ऑप्टिक है, तीसरा ऑक्युलोमोटर है, ऑक्युलोमोटर, और चौथा है ट्रॉक्लियर है, ट्रॉक्लियर, और पांचवा है ट्राइजेमिनल। ये पांच नर्व होती हैं, तो पांचवी जो है वो हमारी ट्राइजेमिनल है। अगला देखिए, प्लेकोडर्म्स एरोजिन, ये प्रश्न हम लोग कई बार हल कर चुके हैं। प्लेकोडर्म्स की उत्पत्ति सिल्यूरियन पीरियड में हुई थी, तो इसमें सिल्यूरियन हो जाएगा। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट जो है
वो है पल्प ऑफ प्लेकॉयड स्केल इज फॉर्म्ड बाई, तो जो प्लेकॉयड स्केल होती है वो हमारे दांत के समान अंदर से खोखली होती है और उसमें एक पल्प भरा होता है, कोमल टिश्यू का एक मिक्सर भरा होता है जिसको पल्प कहते हैं। ये डर्मल पैपिला के द्वारा बनता है, तो इसमें डर्मल पैपिला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिश वर्टेब्री आर, फिश की जो वर्टेब्री है वो एम्फीसीलस होती है। ये भी प्रश्न हम लोगों ने कई बार सॉल्व कर लिया है, आशा है याद हो गई होगी। एम्फीसीलस का मतलब जिनमें दोनों तरफ कैविटीज होती हैं उन्हें हम एम्फीसीलस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कोई वो होगा तो हमें कमेंट करना। सब लोगों के कमेंट आज हमें मिल रहे हैं, ऐसे पहले नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कमेंट नहीं मिल पाते थे, लेकिन आज कमेंट सही है, नेटवर्क सही है। तो जहाँ भी जिज्ञासा होगी या कोई सस्पेंस होगा वो ज़रूर हमें इसके माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बता देना। आगे चलिए, गैम्बूसिया आइफिनिस, गैम्बूसिया आइफिनिस जो है वो फ्रेश वाटर फिश है, और ख़ास बात यह है कि ये मच्छरों के लार्वा को खाती है, तो फ्रेश वाटर एंड कंट्रोल मॉस्किटो लार्वी, तो ये मॉस्किटो लार्वी को कंट्रोल करने वाली है, या मॉस्किटो पॉपुलेशन, लार्वी को खाएगी तो मॉस्किटो का पॉपुलेशन कम होगा, वो मॉस्किटो के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाली मछली है, या मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए इसे जो हमारे तालाब हैं, पोखर हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर इसे पाली जाती हैं। तो इस पर अलग अलग तरीके के प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए, लैंटर्न फिश, लैंटर्न फिश जो है एक समुद्री मछली है जो कि अमूमन जो गहरा पानी है, यानी कि दिन के समय ये गहरे पानी में पाई जाती है, लगभग 1000 से 1000 मीटर के आसपास की गहराई में होती है, लेकिन रात्रि के समय, शाम के समय ये भोजन करने के लिए ऊपर आती है। तो यहाँ पर वर्टिकल माइग्रेशन होता है, नीचे से ऊपर की तरफ रात में आती हैं ये। अब यहाँ पर विकल्प के हिसाब से हम डीप सी ड्वेलर्स इसका सही होगा। लैंटर्न फिश जो है वो समुद्री मछली है और अमूमन गहराई में पाई जाने वाली मछली है, तो डीप सी ड्वेलर्स हो जाएगा इसमें। आगे चलिए, ये जो है इस फिगर में थोड़ा सा कट गया है, तो चलिए नौवां प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये कहीं मिलेगा अगले वाले उसमें। तो गिल्स ऑफ फिशेज आर डेरिवेटिव ऑफ, तो गिल्स फिशेज की जो गिल्स होती हैं वो आज के समय में जो माना जा रहा है वो सब की सब इंडोडर्म से उत्पन्न मानी जाती हैं। इससे पहले जो है वो जो प्राचीन मछलियां थीं, यानी कि जो साइक्लोस्टोम हैं, हैग फिश, पेट्रोमाइजान, इनमें ये माना जाता था कि इंडोडर्मल हैं, और जो एडवांस फिशेज हैं वो इक्टोडर्मल हैं, लेकिन रिसेंट खोजों में ये थ्योरी बदल गई है, अब सारी के सारी इंडोडर्मल ओरिजिन की मानी जाती हैं। तो फिशेज में जो भी ओरिजिन है वो इंडोडर्मल ओरिजिन है। नेक्स्ट देखिए, इक्सा बोनी फिशेज आर, तो बोनी फिशेज जितनी भी होती हैं इनमें जो है वो टीलोलेसिथलिक होता है, यानी कि टीलो का मतलब है कि जो योक है वो यूनिफॉर्मली एक समान रूप से नहीं फैला होता, बल्कि एक समूह में एक तरफ पाया जाता है, एक तरफ भारी मात्रा में होता है, तो ऐसे ही को टीलोलेसिथल कहते हैं। अमूमन जिधर योक होता है उसको हम बेजिटल रीजन कहते हैं, बेजिटल रीजन में होता है। तो ये जो है वेजिटल रीजन में होता है, और ये एनिमल रीजन होता है, एनिमल रीजन। तो जब योग किसी इग के अंदर एक तरफ पाया जाता है, एक दिशा में होता है, और एक पिंड के रूप में होता है, एक मास के रूप में होता है, तो उसे हम टीलोलेसिथल इग कहते हैं। अमूमन ये मैक्रोलेसिथल होते हैं, यानी कि इन अंडों में योग की भारी मात्रा पाई जाती है।
तो मैक्रोलेसीथल हैं, साथ में टीलोलेसीथल हैं। आगे देखिए एडिनो हाइपोफाइसिस। तो हमने इंडोक्राइन सिस्टम ऑफिसेज में ये बताया था कि जो सेंट्रोलेसीथल प्रिया वो इंसेक्ट का एग्जाम्पल है। इंसेक्ट में जो कीट होते हैं हमारे वो सेंट्रोलेसीथल ये हैं उनमें। बाकी जो है जो बर्ड्स हैं, सरीसृप हैं यानी रेप्टाइल्स हैं, फिशेज हैं, इनमें टीलोलेसीथल ही होता है। तो ऐसा है, ये क्लियर हो गया होगा। टीलोलेसीथल जो है वो फिशेज में, एम्फीबियंस में, बर्ड्स में एंड रेप्टाइल्स में, इन सब में टीलोलेसीथल है। सेंट्रोलेसीथल ये इंसेक्ट में पाया जाता है। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है, एडिनोहाइपोफाइसिस वो पिट्यूटरी ग्लैंड का भाग है। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो भाग होते हैं, जिसको अग्र पिट्यूटरी यानी एडिनोहाइपोफाइसिस, ये अग्र पिट्यूटरी है, आगे का भाग है, और पीछे के भाग को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। जो पश्च भाग होता है उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, अग्र भाग को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अफ्रीकन लंग फिश इज। तो अफ्रीकन लंग फिश जो है वो प्रोटॉप्टेरस है। कई बार ये प्रश्न कई सेट में आया है। अफ्रीकन लंग फिश प्रोटॉप्टेरस है और साउथ अमेरिकन लेपिडोसायरन है। नियोसिरोटोडस ये ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन। और ये तीन ही प्रजातियां लंग फिशेज की पाई जाती हैं। इनको डिप्नोई भी कहा जाता है, डिप्नोई, डबल पी है इसमें, डिप्नोई। इनको डिप्नोई भी कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेज इज कॉल्ड। मछलियों में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको हम वीनस सर्कुलेशन कहते हैं। इनमें वीनस सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन नहीं होता। डबल सर्कुलेशन वो एक तरीके से सरीसृप से शुरू होता है, लेकिन ट्रू डबल सर्कुलेशन वो बर्ड्स और मैमल्स में है, जिनमें अशुद्ध और शुद्ध रुधिर अलग अलग होता है। एक बार हृदय से रुधिर फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से फिर हृदय में आता है, और फिर हृदय से शरीर में भेजा जाता है। तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये बर्ड्स और मैमल्स में होता है, मछलियों में वीनस सर्कुलेशन है। यानी कि हृदय से जो रुधिर आता है, ये मान लीजिए कि मछलियों का जो हृदय है, यहाँ से रुधिर इनके गिल्स को जाता है, गिल्स में ये ऑक्सीजन लेता हुआ फिर वापस बॉडी में चला जाता है, और बॉडी से लौट के फिर ये हार्ट में आता है। तो इस तरीके के सर्कुलेशन को हम वीनस सर्कुलेशन कहते हैं। आगे देखिए प्लूरोनेक्टस सोज। तो प्लूरोनेक्टस जो है डीप सी एडाप्टेशन है, डीप सी फिशेज है ये। आगे देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो माइग्रेशन ऑफ फिशेज फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर, समुद्र से फ्रेश वाटर। उल्टा का मतलब एना होता है, एना का मतलब विपरीत, अपोजिट। तो ये जो है एना ड्रामस हो जाएंगी। फॉर स्पॉनिंग इसका एना ड्रामस। आगे देखिए थर्ड वर्टेब्री ऑफ फिश कंट्रीब्यूट हुई ऑफ दी फॉलोइंग बोनी एलिमेंट ऑफ बेवेरियन आस्किस। तो यहाँ पर जो ट्राइपस है इसमें, इसके निर्माण में ये भाग लेती है, और ये जो चार अस्थियाँ हैं बेवेरियन आस्किस की, उनमें ट्राइपस सबसे बड़ी होती है। तो ये हो जाएगा ट्राइपस।
इनमें जो तीसरा कशेरुकस्थि है उसमें जो है इसके प्रवर्ध जुड़े होते हैं ट्राइपस के, इसलिए ये कह रहा है थर्ड वर्टेब्री ऑफ फिश कंट्रीब्यूट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोनी एलिमेंट ऑफ वेवेरियन आस्किस। तो ट्राइपस के जो एलिमेंट हैं जो इसके प्रवर्ध हैं वो ना केवल थर्ड से बल्कि सेकंड से भी जुड़े होते हैं। तो सेकंड या थर्ड वर्टेब्री कुछ भी ये पूछें ट्राइपस होगा इसमें। आगे देखिए द किडनी ऑफ फिश डेवलप फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ मीजोडर्मल कार्ड। तो जो मछलियाँ हैं उनकी किडनी मीजोडर्म के किस पार्ट से डेवलप होती है, तो मीजोडर्म के मध्य भाग यानी मीसोमेयर से ये डेवलप होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो मछलियों का किडनी है वो मीजोडर्म के मीसोमेयर से डेवलप होती है। मीसोमेयर मीजोडर्मल कार्ड का मध्य भाग होता है, बीच का भाग होता है, वहाँ से ये डेवलप होती है। आगे चलिए व्हिच ऑफ दी इंडोक्राइन सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर स्टेन्ड डार्क पर्पल विथ एल्डिहाइड फस्सिन स्टेन। ए एफ स्टेन के साथ जो हमारा पेंक्रियाज है और पेंक्रियाज में लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं यानी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं। अब आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कई तरीके की सेल्स होती हैं क्योंकि इससे दो तीन हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकागन निकलता है, इंसुलिन निकलता है, सोमेटोस्टेटिन निकलता है, तो हर हार्मोन के लिए अलग सेल्स होती हैं। अब ये कह रहा है कि जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं इनमें कौन सी सेल एल्डिहाइड फुस्सिन से स्टेन की जाती है या उससे ये डार्क पर्पल कलर का स्टेन लेती है, तो वो है बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन स्रावित करती है, इंसुलिन, और ये न केवल फिशेज में बल्कि सभी प्राणियों में जो अग्न्याशय की बीटा सेल्स हैं जिनमें अग्न्याशय अंग होता है उसके आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है और ये एल्डिहाइड फुस्सिन स्टेन के साथ स्टेन की जाती हैं, ये डार्क पर्पल कलर लेती हैं ये स्टेनिंग के दौरान। आगे चलिए दी जा सस्पेंशन इन प्लेकोडर्म इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग टाइप। तो प्लेकोडर्म में निम्न में से किस प्रकार का जा सस्पेंशन होता है, तो ये हमने पहले भी कराया है, ये फीटोहायोडियन टाइप का है, ये एक प्रिमिटिव टाइप का जा सस्पेंशन है। क्योंकि जो प्लेकोडर्म्स थे वो सबसे प्राचीन जबड़े युक्त मछलियाँ हैं, शुरुआत में विकसित होने वाली मछली जबड़े युक्त मछलियाँ हैं, इसलिए इनमें जो है जो जा सस्पेंशन है वो ये फीटोहाइडियन एक विशेष प्रकार का प्रिमिटिव टाइप का ये जा सस्पेंशन है जिसको इस कैटेगरी में रखा जाता है। आगे देखिए व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग कार्डल्फिन्स आर मोस्ट प्रिमिटिव टाइप। निम्न में से कौन सा कार्डल्फिन सबसे प्राचीन प्रकार का है, तो इसमें सबसे प्राचीन प्रकार का जो फिन है वो डाईफाई सर्कल फिन है क्योंकि ये प्राचीन मछलियों में पाई जाती है। ज़्यादातर जो विलुप्त हो गई मछलियां हैं एक्सटिंक्ट हैं और जिनके फॉसिल्स मिले हैं उनमें डाईफाई सर्कल टेल है। इस आधार पर ये माना जाता है कि ये प्रिमिटिव टाइप का टेल है क्योंकि जो मछलियाँ विलुप्त हो गई हैं बहुत प्राचीन काल की चट्टानों में जिनके जीवाश्म मिल रहे हैं वो शुरुआत में पाए जाने वाली मछलियाँ थीं, तो उनमें जो फिन था वही सबसे प्राचीन फिन है। आगे देखिए स्कोपेलीफॉर्मिस इज द ऑर्डर। तो स्कोपेलीफॉर्मिस जो ऑर्डर है वो ऑस्टिकथीस का है स्कोपेलीफॉर्मिस अभी जो हमें याद आ रहा है वो ऑस्टिकथीस याद आ रहा है, फिलहाल इसको थोड़ा सा सस्पेंस में रखते हैं लेकिन ज़्यादा संभावना है कि ऑस्टिकथीस ही है ये। आगे चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्लेकोडर्म। निम्न में से प्लेकोडर्म के लिए क्या सही है, तो अर्लियर ऑफ दी नोन
फॉसिल वर्टिब्रेट ऑफ सिल्यूरियन पीरियड, अर्लीस्ट ऑफ द नोन फॉसिल वर्टिब्रेट ऑफ सिल्यूरियन पीरियड, प्लेट स्किन फिशेज विथाउट जा, तो जा तो होता था, दूसरा गलत है इसमें, और विकल्प देख लेते हैं इनके साथ, तो मोस्ट प्रिमिटिव जार्ड वर्टिब्रेट ऑफ डिवोनियन पीरियड, ओल्डेस्ट नोन वर्टिब्रेट फॉसिल्स इन लेट कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविशियन रॉक। तो इसमें जो है जो हमारा सही होगा वो पहला सही होगा, यानी कि ये सिल्यूरियन पीरियड में थी और अर्लीस्ट ऑफ द नोन जो अब तक ज्ञात हैं उनमें सबसे पहले की हैं ये फॉसिल वर्टिब्रेट, सभी की सभी फॉसिल्स हैं, इस समय इनमें कोई भी जीवित प्राणी नहीं है, प्लेकोडर्म का इनके सारे वर्ग इस समय लुप्त हैं, केवल उनके जीवाश्म हमें मिलते हैं, तो इसमें पहला हो जाएगा। चलिए कमेंट देख लेते हैं, आठ का ये है प्रिया, आठ का ये है, देख लेते हैं आठ में क्या है। हाँ हाँ प्रिया, आठ का ये है, यू आर राइट, बिल्कुल आठ का ये सही है, हमने आठ का ये करा दिया है, ये ही सही है, लेकिन असल में हमारी सलाह ये रहेगी कि विकल्प हमेशा पूरे पढ़ने चाहिए, कभी कभी हम पूरा विकल्प ना पढ़ने की वजह से अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं और पहला विकल्प हमको ज़्यादा सुटेबल लगा तो वही हम काला करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगला जो विकल्प होता है वो उससे भी ज़्यादा सटीक होता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है, इसलिए न केवल इस एग्ज़ाम में बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में विकल्प सभी पढ़ने चाहिए, और सभी विकल्प पढ़ने के बाद ही गोले को काला कीजिए, क्योंकि एक बार गोला काला करने के बाद उसे बदल नहीं पाओगे, और अगर दूसरा काला करोगे तो वो प्रश्न गलत माना जाएगा, इसलिए काफ़ी सोच समझ के ही गोले को काला करना चाहिए। अब देखिए इसमें भी ऊपर का प्रश्न कटा हुआ है, चलिए अभी आगे मिलेगा ये। यहाँ पर देखिए आठवां प्रश्न जो है कार्डल्फिन इन लैटिमेरिया, तो लैटिमेरिया जो है उसका जो पुच्छ पंख होता है कार्डल्फिन होता है उसमें थ्री लोब्ड होते हैं, लैटिमेरिया को लोब्ड फिन फिश भी कहते हैं, तो उसमें तीन लोब होते हैं, ये जो लैटिमेरिया है कार्डल्फिन ऑफ लैटिमेरिया, लैटिमेरिया को लोब्ड फिन फिश भी कहते हैं, लोब्ड फिन फिश भी कहते हैं, और इसके जो पुच्छ पंख है जो कार्डल फिन है उसमें तीन लोब होते हैं, इस तरीके से तीन लोब बनते हैं। तीन लोब इस तरीके से इनमें पाए जाते हैं। तो कार्डल फिन इसका थ्री लोब्ड होता है। आगे चलिए, सही नहीं बन पाया है थोड़ा सा, चलिए आगे चलिए। ढाल ग्रीन सेल्स आर फाउंड इन, तो ये हम लोगों ने पहले भी किया है, यूरोफाइसियस ग्लैंड में होती हैं, ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कार्डल फिन के ओरिजिन पॉइंट के पास पाई जाती है, यूरोफाइसिस बर्ड्स में भी ये ग्लैंड होती है। आगे देखिए ल्यूमिनिसेंट सब्सटेंस ऑफ फिशेज, ल्यूमिनिसेंट का मतलब है लाइट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, और हम लोग जानते हैं जो जुगनू होता है रात में जो जुगनू चमकता है उसमें भी इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं, उसी की वजह से उसमें लाइट उत्पन्न होता है, ये सब्सटेंस है ल्यूसीफेरिन, इसका एक एंजाइम होता है ल्यूसीफेरेज एंजाइम के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है और उसी के दौरान प्रकाश उत्पन्न होता है, तो ये सब्सटेंस जो है जो ल्यूमिनिसेंट सब्सटेंस है वो ल्यूसीफेरिन है, ये मछलियों के अलावा कुछ अन्य जीवों में भी पाया जाता है, ज़्यादातर जो डीप सी फिशेज हैं जो गहरे जल की मछलियां हैं वो ल्यूमिनिसेंट होती हैं लाइट उत्पन्न करने के लिए और अपने प्रे को यानी शिकार को आकर्षित करने के लिए वो इन तरीकों का इस्तेमाल करती हैं।
आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट जार्ड वर्टिब्रेट, यानी फिर वही प्रश्न आ गया, प्लेकोडर्म एरोजिन, प्लेकोडर्म सिल्यूरियन काल में हुए थे सभी लोग जानते हैं। तो ये प्रश्न हम लोग अब तक याद हो गया होगा, फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट, पहले जबड़े युक्त वर्टिब्रेट। अगर ये भी पूछे कि पहले जबड़ी युक्त वर्टिब्रेट कौन थे, तो प्लेकोडर्म थे, और यहाँ तो लिखा भी है पहले जबड़े युक्त वर्टिब्रेट यानी प्लेकोडर्म किस काल में पैदा हुए थे, तो ये सिल्यूरियन पीरियड में हुए थे। अब देखिए, इन लेबियो गिल रैकर्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड चैम्बर, प्रमोट रिगर्टेशन ऑफ फूड इनटू बक्कल चैम्बर। तो यहाँ पर चूंकि जो गिल है हमारा, मछलियों का जो गिल है वो सीधे मुख गुहा से जुड़ा होता है, जो मुख होता है इस तरीके से, और यहाँ के साइड में गिल्स होते हैं, तो ये सीधे इनके मुख से जुड़े होते हैं। अब मछलियाँ जो भोजन करती हैं तो उनके चबाने के दौरान या उनके रिजर्टेशन के दौरान इसको बाहर निकलने का डर होता है, इस वजह से जो हमारा गिल है या जो ये मछली है लेबियो, इनमें जो गिल रैकर्स हैं वो जो गिल हैं, गिल छिद्र हैं, उनके बाहर इस तरीके से फिलामेंट के समान रचनाएं होती हैं जो इन चीज़ों को बाहर नहीं निकलने देती। पानी छनके इनसे बाहर निकल जाता है लेकिन कोई ठोस पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता, जिससे मछलियाँ आसानी से रिगर्जिटेशन कर सकती हैं। तो इसमें डी विकल्प हो जाएगा। इसके अलावा कुछ फिशेज ऐसी हैं जो फिल्टर फीडर होती हैं। फिल्टर फीडर का मतलब है कि जल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुले हुए हैं, घुले क्या मतलब जो पानी में हैं, वो पानी के साथ इनके मुँह में आते हैं, और गिल के द्वारा जब पानी बाहर निकल जाता है तो गिल रैकर्स उसे छानने का काम करते हैं, यानी कि जो भोजन के पदार्थ पानी में हैं, पानी के साथ आ गए हैं, चाहे वो अगर शाकाहारी है तो जो माइक्रो एल्गी हैं, फाइटोप्लैंकटन हैं या फाइटो जूप्लैंकटन हैं, ये पानी के साथ आ जाते हैं और वहाँ पर छन जाते हैं, मुख में ही रह जाते हैं, वहाँ पर गिल रैकर इनको बाहर निकलने नहीं देते। तो गिल रैकर्स जो है वो लेबियो में तो रिजर्टेशन में मदद करते हैं, क्योंकि ये फिल्टर फीडर नहीं है, ये जो है दूसरे बड़े चीज़ों को पकड़ती है, लेकिन अगर फिल्टर फीडर प्राणी हैं तो गिल रैकर्स फिल्टर फीडिंग में भी मदद करते हैं। तो इस तरीके का प्रश्न बने कि गिल रैकर्स हेल्प इन फिल्टर फीडिंग में मदद करते हैं, इसके अलावा जो मुख गुहा में फूड पार्टिकल हैं उनको गिल के द्वारा बाहर आने से रोकते हैं। आगे चलिए, एक्सक्रीशन इन क्लास ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज बोनी मछलियों का एक वर्ग है, यानी कि दो का ये नहीं होगा, देखें दो का क्या है, ये नहीं, डी बता रहे हैं राधा, हमने डी बताया है बेटा, हमने डी बताया है, प्रमोट रिजर्टेशन ऑफ फूड इनटू बक्कल चैम्बर। राधा दो का हमने डी बताया है, ये नहीं बताया है, दो का हमने डी बताया है बेटा, इसको करेक्ट कर लीजिए, हमने डी बताया है भाई, ये कहाँ बताया है राधा, डी बताया है बेटा, ठीक है ओके। आगे चलिए, एक्सक्रीशन इन क्लास ऑस्टिकथीज यानी बोनी फिशेज में एक्सक्रीशन किस तरीके का होता है, यूरियोटेलिक होता है,
यानी कि जो एक्सक्रीटरी पदार्थ है वो यूरिया के रूप में यूरिन से बाहर निकलता है, और हमने ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में बताया था कि यूरिया एक इम्पॉर्टेंट पदार्थ है जो ऑस्मोरेगुलेशन में भी मदद करता है फ्रेश वाटर फिशेज में, तो यूरिया ही इनमें जो है वो एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी पदार्थ है जो कि एक हानिकारक पदार्थ के रूप में बनता है मेटाबॉलिज्म में, और इस आवश्यकता से अधिक इसको निकाला जाता है। कुछ भाग इसको रिटेन करती हैं मछलियाँ ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, वो ऑस्मोरेगुलेशन का पार्ट देखा होगा तो वहाँ पर उसकी क्रियाविधि हमने समझाई है पूरी। आगे देखिए, सब क्लास सार्कोप्टेरिजी इंक्लूड, तो सार्कोप्टेरिजी जो है वो लोब्ड फिन फिशेज का है। अभी हम लोगों ने लेटीमेरिया ऊपर देखा है, लेटीमेरिया ही इस वर्ग में है। सार्कोप्टेरिजी में ये बोनी फिशेज का यानी ऑस्टिक थीज का एक सब क्लास है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं, सुपर क्लास फिशेज इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेज। तो फिशेज क्लासिफिकेशन में जो सुपर क्लास मत्स्य है इसको अलग अलग ढंग से डिवाइड किया गया है, और इसमें बी विकल्प जो है प्लेकोडर्मी यानी कि जो फासिल्स मछलियां हैं, अर्लियर मछलियां थीं जो बनी थीं, इनके बाद जो बनने वाली मछलियां हैं वो कॉन्ड्रिक थीज, और इनके बाद जो मोस्ट एडवांस फिशेज हैं वो ऑस्टिक थीज। तो ये तीन जो है वो क्लासेज हैं सुपर क्लास फिशेज के, सुपर क्लास पिसीज के। दीज आर थ्री क्लासेज, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक थीज एंड ऑस्टिक थीज। आगे चलते हैं, तो यहाँ देखिए आ गया नियोसिरोटोडस इज फाउंड इन, हमने पहले लिखाया था नियोसिरोटोडस ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका में लेपिडोस, अफ्रीका में प्रोटाप्टेरस है, ये साउथ अमेरिका से कन्फ्यूज नहीं होना है, साउथ अमेरिका में लेपिडोसायरन है, लेपिडोसायरन, इसको बार बार रटिए याद कीजिए, इससे मिल सकते हैं प्रश्न। प्रोटाप्टेरस डिप्नोई का वर्ग है। आगे देखिए, द इग्स ऑफ फिशेज यानी मछलियों के जो अंडे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो ये जो है इनमें विकल्प देखिए माइक्रोलेसिथल नहीं, ये माइक्रोलेसिथल होते हैं, मीसोलेसिथल भी नहीं है। अब अगला विकल्प देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए मेगालेसिथल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट, इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो हैं जैसे एमनियान है, कोरियान है, एलांटोइस है, ये इम्ब्रियो के चारों तरफ जो हमारा इम्ब्रियो होता है, ये मान लीजिए इम्ब्रियो है, तो इम्ब्रियो के चारों तरफ ये झिल्लियाँ पाई जाती हैं और ये उसको घेरे रहती हैं उसके चारों तरफ, एक गद्दे के जैसा आवरण बनाती हैं ताकि इसकी सुरक्षा हो सके। इनमें फ्लूइड भरे होते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फ्लूइड जो इसको सूखने से बचाते हैं। अब चूंकि मछलियाँ अंडे सीधे जल में देती हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जल में इन्हें सूखने का कोई डर नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट हैं। एक मेम्ब्रेन जो योक सैक है वो मछलियों में पाई जाती है, लेकिन बाकी तीन एब्सेंट हैं, तो इसलिए हम इसे एब्सेंट ही मानेंगे। तो ये हो गया, आगे देखते हैं, तो सातवां प्रश्न भी हो गया हमारा। इनके जो मछलियों के अंडे हैं वो मैक्रोलेसिथल होते हैं और उनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वो एब्सेंट होती है, ये बात बिल्कुल क्लियरली याद रखनी है। आगे देखिए, कॉस्मोइड स्केल आर फाउंड इन, तो इसमें देखिए स्कालियोडॉन में प्लेकॉयड स्केल होती है, यहाँ पर प्लेकॉयड है।
ऑस्ट्रेकोडर्म में बोनी प्लेटें होती थी, बोनी प्लेट थी। अब बचा दो हमारा दो, एक तो लेपिडोस्टियस और दूसरा एमिया। तो यहाँ पर लेपिडोस्टियस और एमिया कॉस्मोइड स्केल वो एमिया में हो सकती है। फिलहाल ये थोड़ा सा अभी हम सस्पेंस में इसको रखते हैं, एक बार सब लोग इसको मिला लेना। एमिया जो है वो मोस्ट प्रोबेबल है, फिर भी हमने अभी लेटेस्ट में इसको कंफर्म नहीं किया है, इस वजह से इसको थोड़ा सा सस्पेंस में है। अगर किसी को क्लियर हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे ताकि बाकी लोगों का भी क्लियर हो जाए। अगर किसी ने इसको तत्काल में पढ़ा हो कॉस्मोइड स्केल के बारे में किस में है तो वो लिख सकता है। हमने तो अभी एमिया लगवा दी है इसमें, लेकिन अगर किसी को कंफर्म हो तो वो कमेंट के माध्यम से हमें बताए ताकि हम लोग इसको सही कर सकें। एक का बी ऑस्ट्रेकोडर्म में तो बोनी स्केल थी, बोनी प्लेट्स थी। राधा इसको फिर से मिला लेना, हमें एक के बी में तो सस्पेंस है। ऑस्ट्रेकोडर्म जो मछलियाँ थीं वो तो बोनी प्लेटें थी उनके ऊपर, तो कॉस्मोइड स्केल में थोड़ा सस्पेंस है उसको। एक बार इसको फिर से मिला लेना, हम भी कोशिश करेंगे तो अगले सेशन में इसको कंफर्म कर देंगे। अभी जो है ऑस्ट्रेकोडर्म को लेके हमें थोड़ा सस्पेंस है, इसलिए बेटा हम देख के ही कंफर्म कर पाएंगे। आगे चलिए, फिश गिल्स हैव हाई सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज ड्यू टू स्ट्रक्चर कार्ड। जो मछलियों के गिल हैं उनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, निम्न में से किसके कारण? तो गिल लैमली होती हैं, गिल लैमली के कारण उनका सरफेस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा सरफेस पानी के संपर्क में आता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उनको मिल सके। आगे देखिए, फर्टिलाइजेशन इन डेवलपमेंट इन फिशेज। तो फर्टिलाइजेशन जो फिशेज का है वो एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, एक्सटर्नल एंड डायरेक्ट होता है। क्लैस्पर फाउंड इन, तो क्लैस्पर मेल फिशेज में होते हैं और ये जो मिल्ट है जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल है उसको ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। तो क्लैस्पर मेल में होते हैं, स्कालियोडान में भी हैं ये। आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं। स्केल फाउंड इन टीलियास्ट, अब देखिए इससे पहले भी हमने जो प्रश्न हल किया था तो टीलियास्ट एक समूह है जिसमें कई तरीके की मछलियां होती हैं, और कई तरीके की मछलियां हैं तो उनमें कई तरीके के स्केल्स होंगे। टीलियास्ट किसी एक फिश का नाम नहीं है, ये समूह है, एक सब क्लास है। तो इस पे तरह तरह की मछलियाँ हैं। एक प्रश्न इससे संबंधित ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी मछलियाँ सभी तरीके के जल में पाई जाती हैं, तो वहाँ भी टीलियास्ट होता है, टीलियोस्टोमी। यहाँ पर टीलियास्ट में साइक्लॉयड, टीनोइड, गैनोइड तीनों प्रकार की स्केल्स मिलती हैं, तो आल हो जाएगा। अगला देखिए, हार्ट इन फिशेज आर, मछलियों का जो हृदय होता है। क्वेश्चन दो रह गया है, अच्छा क्वेश्चन दो देख ले रहे हैं। अच्छा, इलास्मोब्रैंक कार्टिलाइजिनस फिशेज, ठीक ठीक, दूसरा रह गया है तो दूसरा हम करा दे रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर जो है कार्टिलाइजिनस फिशेज जो हैं, स्लिवरी, होलोसिफेली, क्रॉसऑप्टेरिजी, इलास्मोब्रैंक मछलियाँ जो हैं वो कार्टिलाइजिनस हैं।
आगे देखिए, हार्ट इन फिशेज आर, तो मछलियों के फिशेज में दो ही चैम्बर होते हैं, एक आर्किल होता है और दूसरा वेंट्रिकल होता है। इस तरीके से ये आर्किल होता है, ये वेंट्रिकल होता है, तो ये सही हो जाएगा, वन आर्किल एंड वन वेंट्रिकल, दो चैम्बर युक्त होते हैं ये जो मछलियों का हृदय होता है। सिंपल तरीके का हृदय है, इसे ब्रेंकियल हार्ट भी कहते हैं, ये ब्रेंकियल हार्ट भी है। दूसरा हमने करा दिया है राधा, हमने दूसरा करा दिया है बेटा। आगे देखिए, माइग्रेशन इन कैटाड्रामस, तो कैटाड्रामस यानी कि फ्रेश वाटर टू सी, एना मीन्स उल्टा होता है, ये हमेशा याद रखना, इससे कंफ्यूज नहीं होगे, तो रिवर टू सी हो जाएगा, माइग्रेशन इन कैटाड्रामस रिवर टू सी होगा। आगे देखिए, फंक्शन ऑफ न्यूरोमास्ट आर्गन, तो न्यूरोमास्ट आर्गन जो है वो लेटरल लाइन सिस्टम से जुड़ा होता है, लेटरल लाइन सिस्टम से संबंधित है, और ये रियो रिसेप्टर है, ये प्रश्न हम लोगों ने पहले भी हल किया है। रियो रिसेप्टर का मतलब होता है कि पानी में जो हलचल होती है, जो वाटर करंट उत्पन्न होती हैं, उसका आभास ये कराता है, वाटर करंट या रियो रिसेप्टर। दसवां देखिए, फिशेज हुई फाउंड इन ईच टाइप ऑफ वाटर, निम्न मछलियों में से वह मछलियाँ जो सभी तरीके की पानी में पाई जाती हैं, देखिए ये आ ही गया, टीलियोस्टोम, टीलियास्ट आगे हम लोगों ने पढ़ा है, इनमें सभी तरीके की स्केल्स भी होते हैं, सभी तरीके की स्केल्स इनमें पाई जाती हैं, और ये सभी तरीके के जल में भी पाई जाती हैं, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये चेन ऑफ फोर स्मॉल बोन व्हिच कनेक्ट इंटरनल ईयर विथ ईयर ब्लेडर कॉल्ड, तो जो आंतरिक कर्ण है मत्स्य का, मछलियों का, उसे ईयर ब्लेडर के साथ जोड़ने वाली चार अस्थियां, इनको बेवेरियन अस्थि कहते हैं, और बेवेरियन अस्थि जो चारों हैं उनके नाम भी हमने इससे पहले वाले सेक्शन में लिखाए थे, ट्राइपस, क्लाउस्ट्रम और दो और हैं, तो इनके नाम भी याद रखना है। ये बेबेरियन स्किल्स हैं जो इंटरनल ईयर को ईयर ब्लेडर से जोड़ती हैं। किडनी ऑफ फिशेज डेवलप फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ मेसोडर्मल कॉर्ड, अब ये जो है फिर से आ गया है, तो मेसोडर्मल कॉर्ड यानी मीसोमियर से, मध्य भाग से जुड़ती हैं, ये हमने करा दिया है, पहले सेट में कराया था। कैटाड्रामस फिशेज माइग्रेट, हमें लग रहा है कैटाड्रामस फिशेज जो है वो फ्रेश वाटर टू सी होती हैं, यानी कि ताजे जल से समुद्र के जल में, एना ड्रामस उल्टा होता है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाई, तो मछलियों में या जो दूसरे प्राणी हैं इनमें श्वसन से संबंधित गतिविधियाँ वो मेडुला अवलांगेटा से कंट्रोल्ड होती हैं, इसमें सही निशान पहले से लगा है, मेडुला अवलांगेटा हो जाएगा। आगे देखिए, न्यूरोमास्ट आर्गन, तो न्यूरोमास्ट आर्गन रियो रिसेप्टर है, रियो रिसेप्टर हो गया। प्लेकोडर्म एरोज इन सिल्यूरियन पीरियड, फिफ्थ क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल, गिल्स ऑफ फिशेज आर डेरिवेटिव ऑफ इंडोडर्म, तो ये तो पहले ही से लगा था, ये जो है आज का जो हम लोगों का था, जितना प्रश्न सब लोगों ने हमें दिया था वो आज का हमने ख़त्म कर लिया है, इतना ही था इसमें। इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो अभी लिख सकते हो। इसके अलावा हमने जूम ऐप की आईडी और वो भी शेयर की थी, तो किसी दिन हम लोग जूम ऐप पर भी बैठ के अपने जो सस्पेंस हैं उसको सॉल्व कर लेंगे।
जूम ऐप के माध्यम से भी जुड़ जाएंगे और देखिए एग्ज़ाम समय से हो जाए तो समय से रिजल्ट आ जाएगा। आशा है कि अक्टूबर मध्य तक पीजीटी की वैकेंसी आ जाएगी और लगभग में एक महीना मिलेगा फॉर्म भरने का, तो ईश्वर चाहेंगे तब तक रिजल्ट मिल जाएगा सबको और फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ इसको लेके कि पीजीटी के लिए एक बैच शुरू करने की प्लानिंग है हमारी, तो पहले तो सब लोग अच्छे मार्क से पास हो जाइए, इसके बाद जिसकी इच्छा बनेगी वो पीजीटी का बैच हमारा ज्वाइन कर सकता है। बाकी आगे का प्रश्न जो है सब लोग हमें भेजना हमारे ग्रुप पर या व्हाट्सएप नंबर पर, तो उसे हम आगे के लिए शामिल करेंगे। पिछले सेट में ज़्यादा कन्फ्यूजन थे, प्रश्न बच्चों ने भेजे थे हमें, तो हम उसको इकट्ठा शामिल करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अभी इस समय हमें याद नहीं है कौन कौन से प्रश्न थे, तो वो जो है उसको हम शामिल करेंगे। एक प्रश्न जो पिछली बार सस्पेंस का था और प्रतिभा ने कहा था कि सर इसको ज़रा इसको देख लीजिएगा, ये प्रश्न था, देखिए पिछले सेट में ये प्रश्न दसवां रह गया था, तो यहाँ पर थोड़ा सस्पेंस था। ये कह रहा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व विल बी नॉर्मल एट, तो जो नॉर्मल स्थिति है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व वो 40 मिलीमीटर मरकरी CO2 टेंशन की बात कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन टेंशन की बात नहीं हो रही है। फेफड़ों में जो है जो CO2 का टेंशन होता है वो लगभग इतना होता है 40। देखिए दो पॉइंट हैं, एक तो हमारा लंग्स है और दूसरा टिश्यू हैं या सेल्स कह सकते हो जहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, CO2 निकल रही है, तो यहाँ पर CO2 का जो प्रेशर होता है वो 46 मिलीमीटर मरकरी होता है और 46 मिलीमीटर मरकरी में चूंकि CO2 का नेचर एसिडिक होता है हाँ प्रिया ऑनलाइन पढ़ाएंगे जूम ऐप पर पढ़ाएंगे, जो बैच शुरू करेंगे ऑनलाइन जूम ऐप पर पढ़ाएंगे, सब लोग घर पर ही अपने घर से पढ़ सकते हो, दोनों कराएंगे जूलॉजी और बॉटनी, चूंकि PGT में दोनों आती हैं तो दोनों कराएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि इसी बैच में सबको सफलता मिले, सब लोग जो है वो अपने करियर में सफल हो, इसके लिए पूरी मेहनत की जाएगी जूम ऐप पर। लेकिन अभी जो है सब लोग मेहनत करके MSc क्लियर कर लीजिए अपना, ताकि हम लोग एक नए जोश के साथ अपने मिशन में लग सकें। जूम ऐप पर शुरू करेंगे प्रिया, घर से ही पढ़ सकते हो, दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, पूरी मदद मिलेगी, सारी चीज़ समझ में भी आएगी। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि दो चीज़ें हैं, लंग्स में जब रुधिर आता है यहाँ पर लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर रुधिर जब टिश्यू में आता है तो यहाँ पर CO2 का जो प्रेशर है वो 46 मिलीमीटर मरकरी होता है और यहाँ पर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है, ये ऑक्सीजन इसको डिलीवर हो जाता है, बदले में जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन ग्रहण कर लेता है, इसको लेके वो यहाँ पहुँचता है और यहाँ पर फिर चूँकि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है तो यहाँ पर CO2 हीमोग्लोबिन और CO2 अलग हो जाता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, HbO2 बनाता है,
और ये फिर रुधिर के द्वारा आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर CO2 इस तरीके से रिलीज होती रहती है। यहाँ जहाँ पर 40 यहाँ जो है फेफड़ों में जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो 40 मिलीमीटर मरकरी है, यहाँ पर जो है जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो बना रहता है, वो नहीं टूटता, यहाँ पर तो जुड़ता है, टूटता वो टिश्यू स्तर पर है यहाँ पर। तो 40 मिलीमीटर मरकरी में जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व है वो नॉर्मल बना रहेगा, ये हमने समझाया था। तो आशा है ये समझ में आ गया होगा। बाकी जो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न होंगे वो हमें भेज देना सब लोग, तो हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ये सेशन अब हम यहीं समाप्त करते हैं। सब लोग हमें जो है आज तारीख 16 हो गई है, 17-18 दो दिन के बाद फर्स्ट पेपर होगा, तो जैसी इच्छा बनेगी वैसा हमें बताना, हम उस हिसाब से अगला जो है वो कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। हमें प्रश्न जो है वो सब लोग उपलब्ध करा देना, तो जैसा भी होगा हम उसे शामिल करेंगे।